हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते ही हैं कि मैं आपको समय समय पर अपकमिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की डिटेल देता रहता हूं और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन डिटेल भी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। बट दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कोई अपकमिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं दूंगा, ना ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डिटेल दूंगा इस वीडियो में। बट मैं इस वीडियो में आपसे जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी परेशानियां जो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों को फेस करने को मिल रही हैं, उनके ऊपर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए आओ इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट सारे ऑलमोस्ट नए सेक्टरों में आए हैं। तो जो नए सेक्टर हैं, अभी वहाँ पर बसावट हो रही है, तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर बसावट होती है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने में आती हैं। इनिशियली जो भी एरिया जैसे भी जो भी बस रहा होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। जैसे मुख्यतः हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो दोस्तों जैसे आप मैं इन अफोर्डेबल हाउसिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने मेजरली सारे प्रोजेक्ट में देखा है और रिव्यू किया है बेसिकली, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम है। और हमसे बिल्डर बेसिकली क्या है कि 33 केवी का चार्ज ले लेता है, बट मोस्टली जगह पे या तो 11 केवी से सप्लाई दी जा रही ही है और या फिर किस डीजी के द्वारा सप्लाई दी जाती है। और कहीं कहीं पे बिल्डर बहुत मनमानी करते हैं, कहीं पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कुछ जगह तो ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है कि 44-44 घंटे और चार चार दिन तक भी बिजली नहीं थी। तो ये भी एक मुख्यतः प्रॉब्लम देखी गई है अफोर्डेबल हाउसिंग में कि इलेक्ट्रिसिटी को भी लेके अभी काफ़ी इश्यूज हैं। ऑल दो अगर बिल्डर के पास लोग जाते हैं कि भाई हमारे को इलेक्ट्रिसिटी का इशू फेस हम कर रहे हैं, तो बिल्डर अपना पल्ला झाड़ कर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर डाल देता है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो बिल्डर के ऊपर डाल देते हैं। तो ये मुख्यतः प्रॉब्लम आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में देखने को मिलेगी। और दूसरी बात कर लेते हैं पानी की। और आप जैसे जानते हैं कि अब ये नए सेक्टरों में आए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे पानी की भी किल्लत है। बेसिकली क्या है कि अभी बहुत जगह पे बहुत ही प्रोजेक्ट्स में आपको देखने में आएगा कि यहाँ पे लाइन नहीं है, जो भी MCD की लाइन है, वाटर लाइन, वो नहीं है। तो बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि आपको ये वाटर टैंक्स मंगा के उसके थ्रू ही वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो जिसका वो लोग कुछ चार्ज भी लेते हैं। तो ये भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ एक समस्या ही है, क्योंकि जब तक MCD का पानी नहीं आता तो पानी की गुणवत्ता और ये सब को भी हम क्या माप सकते हैं। और जनरली आपको यहाँ पे अगर आप लोग मकान ले रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो आपको RO लगाना ही पड़ेगा। ऑल दो तो वैसे आजकल हर जगह ही लोग RO लगाते हैं, बट अफोर्डेबल हाउसिंग के ये प्रोजेक्ट्स में आपको RO की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात करें हम STP सीवर लाइन, यहाँ पे मुख्यतः देखा गया है कि मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सीवर लाइन का भी इशू है, क्योंकि सीवर लाइन जुड़ी नहीं है और मोस्टली जगह पे सीवर लाइन अभी तक पहुँची नहीं है, क्योंकि ये नए सेक्टर कटे थे, यहाँ पे अभी सीवर लाइन की भी बहुत दिक्कत है। अब इसकी वजह से यहाँ पे STP बनाता है बिल्डर, और STP को मेंटेन करना भी एक इजी टास्क नहीं है। और देखा गया है मुख्यतः कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डर इस STP का मेंटेनेंस ठीक ठाक से नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है। जैसे कि कभी आपको आपके बेसिकली वॉशरूम में गंदा पानी आएगा और स्मेली पानी आएगा, तो मतलब इस तरह की मुख्यतः प्रॉब्लम आती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्डर उस STP का जब ओवरफ्लो हो जाता है तो आसपास के खेतों में ही डाल देते हैं, तो जिससे एक तरह से पॉल्यूशन और वातावरण को भी वो लोग गंदा करते हैं। तो ये भी एक मुख्यतः प्रॉब्लम देखी जा रही है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रोजेक्ट। तो एक और प्रॉब्लम देखने में आती है अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में, वो है कनेक्टिविटी का इशू, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नए सेक्टरों में ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो वहाँ पर अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू है, और वहाँ पर ना तो मेट्रो मिलेगी आपको, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी किसी किसी सेक्टर में ही अवेलेबल है, तो आपको अपने मतलब अपने कन्वेंस की आवश्यकता पड़ेगी।
और आपको बेसिकली कार या टू व्हीलर अपना रखना ही पड़ेगा अगर आप इन अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ में मकान ले रहे हैं। और इसके बाद अब हम कर लेते हैं बात कि इसके अंदर जो इंटीरियर जो यूज़ करते हैं, ऑल्दो इंटीरियर कुछ खास होता नहीं है, बाकी जैसे टैप्स यूज़ करता है बिल्डर या फिर आपको इंटीरियर में आपके जैसे लॉक्स हो गए, ये डोर के लॉक्स हो गए वगैरह वगैरह, तो या डोर हो गया, तो ये भी बहुत ही घटिया क्वालिटी के, मैं कहूँगा कि बहुत ही बेकार क्वालिटी के लगाए जाते हैं। तो मुख्यतः आपको इनको, जैसे भी आपको ये मकान मिलते हैं, तो जनरली इनको चेंज कराना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसमें इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एक और प्रॉब्लम भी देखने में आती है कि मोस्टली प्रोजेक्ट माई वन कंस्ट्रक्शन पे ही बने हुए हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर कोई इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपने, मतलब आपको जैसे कि मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट जो पहले थे उसमें क्या था कि ओपन किचन दे दिया था, तो जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ख़ासकर इस कैटेगरी का जो भी बायर है वो अब ओपन किचन उसको नहीं जचता, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग बाय कर रहे हैं, तो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो अगर ओपन किचन को आप इसमें चेंज भी करना चाहें, बंद करना चाहें या कुछ उसके अंदर चेंजेस कराना चाहें, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट माई वन शटरिंग पे हैं, तो आप इसमें कुछ ज़्यादातर चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से ये भी समस्या देखने में आती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। और दोस्तों एक और समस्या देखने में आ रही है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो है मेंटेनेंस को लेके। देखिए मेंटेनेंस जो ऑल्दो बिल्डर मेंटेनेंस एजेंसी हायर करते हैं, पर मेंटेनेंस एजेंसी जो हायर की जाती हैं बिल्डर के द्वारा, वो इतना पर्याप्त नहीं है मेंटेनेंस स्टाफ जो सोसाइटी को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। कहीं कहीं पे मेंटेनेंस के इशू भी आपको देखने में आते हैं कि हमने ये इस चीज़ को नोटिस किया है, कहीं पे जैसे किसी सोसाइटी में कूड़ा भी चार चार दिन तक पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, तो इस तरह के। और कभी कभी लिफ्ट ख़राब हो गई तो लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए भी स्टाफ कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको फेस आउट करनी पड़ेगी अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं। और एक प्रॉब्लम और जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं या उसको आप, वैसे तो वो क्लियर है, ये होती है एमिनिटीज़। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं कि अच्छा माहौल, एक आप कहीं मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलोनी में रहते हैं या आप कोई इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके पास पार्क नहीं है, यही नहीं और अधिक सुविधाएं नहीं है, तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ये सोच के अपना फ्लैट ले रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो ये भी नहीं है इसमें अंदर। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स में तो देखिए पार्क वगैरह अच्छा है या थोड़ा बहुत प्ले एरिया भी बना दिया है कुछ बिल्डर्स ने, बट मोस्टली में इन प्रोजेक्ट्स में क्या है कि लैंड जो होता है डिवाइडेड होता है तीन चार हिस्सों में, क्योंकि तभी ये लैंड सस्ता मिलता है बिल्डर को। और तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो माहौल होता है प्ले एरिया या कह लीजिए ग्रीन एरिया, वो मिल नहीं पाता है सोसाइटी में बच्चों को, और अदर एमिनिटीज़ भी नहीं होती है जैसे क्लब हाउस वगैरह या स्विमिंग पूल। ऑल दो अब जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो इस चीज़ की कमी को शायद दूर कर दें, बट जो पहले के प्रोजेक्ट थे उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। समस्या और भी देखी गई है कुछ, ये समस्या कुछ ही अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ में देखी गई है, ये ज़्यादातर में नहीं है बट कुछ में ये देखी गई है कि जो मार्केट एरिया जो बनाया है बिल्डर्स ने, आपको पता ही होगा कि जैसे पुराने प्रोजेक्ट में तो 4% जो एरिया था वो मार्केट के लिए बनाता था बिल्डर, उसमें तो लगभग लगभग 100 से 150 दुकानें बनाता था, और अब जो उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी के में 8% कर दिया है, तो इसमें क्या है कि मार्केट की जो दुकानें हैं कई बार क्या है वो टावर के साथ चिपका के बना दी गई हैं कुछ प्रोजेक्ट से, तो जिसको ले जिससे कि सिक्योरिटी को भी लेके इश्यूज़ हैं, और जो नीचे के टावर्स हैं मान लीजिए आपका फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर है तो वो व्यू भी ब्लॉक हो गया आपके फ्लोर्स का, तो और सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न है, तो ये भी एक तरह कुछ ये प्रॉब्लम जो देखी गई है। ये वैसे प्रोजेक्ट ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम प्रोजेक्ट में देखी गई है, बट ये भी प्रोजेक्ट ये प्रॉब्लम भी कुछ प्रोजेक्ट में नज़र आई है, तो इसको भी आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख लीजिए पहले ही अपने प्रोजेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है कि हाँ जो मार्केट का एरिया है वो बिल्कुल टावर्स के साथ टच तो नहीं है, अगर ऐसा है तो
और अगर नीचे का फ्लोर आता है तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हाँ ये क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी बनेगा और इससे दिक्कत भी आपको काफ़ी हो सकती है इन फ्यूचर। और अब हम लास्ट प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक तरह से आप लास्ट कह भी सकते हो और नहीं भी, क्यों ये मेजरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी की, कार पार्किंग। अब कार पार्किंग नहीं मिलती, आप जैसे जानते ही हैं कि यहाँ पे कार पार्किंग नहीं है इन अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है लोगों को। मतलब आप लोगों को एक डर का माहौल रहता है आप अगर आपके पास कार है कि मैं एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में अगर आपके पास है, तो एक हमेशा डर बना रहता है क्योंकि मोस्टली बिल्डर पार्किंग नहीं दे रहे हैं जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे। अब ऑल्दो नए प्रोजेक्ट्स में कुछ पार्किंग आई है, कहीं हमें बेसमेंट का पार्किंग का प्रोविज़न आ रहा है, बट वो भी फ्यूचर में देखने में आएगा कि हाँ उनमें कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा पार्किंग का सीन। और इसके पार्किंग को लेके भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि हाँ भाई जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे बिल्डर जिसको चाहिए पार्किंग उनको पे दे सकता है, और 100% पार्किंग तो उसमें भी नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स में भी नहीं है। ऑल्दो एक आधा प्रोजेक्ट अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाँ जिसमें 100% शायद कार पार्किंग मिल जाए, बट मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आपको 50-60% कार पार्किंग मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है अब, किसको कार पार्किंग मिलती है किसको नहीं मिलती। ऑल्दो गवर्नमेंट ने एक रेट भी सेट किया है, बट मुझे डाउट है कि उस रेट पे ये कार पार्किंग होंगी या उस रेट पे कार पार्किंग मिल पाएंगी लोगों को। इस पे ज़रूर अंदर झोल होगा और हो सकता है कि जो कार पार्किंग का रेट डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ने वो तो अमाउंट वाइट पे ले ले बिल्डर, बट अंदर हो सकता है कि आपसे कुछ ब्लैक अमाउंट लेके ही आपको कार पार्किंग दी जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में। तो मैंने सोचा जैसे मैं आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल देता हूँ भाई, सारी चीज़ें बताता हूँ या अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लस पॉइंट बताता हूँ, तो मुझे नेगेटिव भी बताने चाहिए क्योंकि मेरे चैनल का देखिए उद्देश्य वही है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊँ, क्योंकि कल को हम नहीं चाहते कि मेरा चैनल में वीडियो देख के कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में बाय कर ले और कल को मेरे पे कोई ब्लेम करे कि हाँ नहीं सर आपने तो ऐसा बताया था या वैसा बताया था। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें बहुत हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम इन दिक्कतों को एक साइड रखते हैं और इन प्रोजेक्ट का रेट देखते हैं तो इतना कॉम्पिटिटिव रेट है गुड़गांव जैसी लोकेशन पे आपको इस रेट में और कोई चीज़ मिलती नहीं, तो इसीलिए ही लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और लोग बाय कर रहे हैं। नहीं तो ऑल्दो जो एंड यूज़र हैं और जो ये प्रॉब्लम फेस आउट करता है तो वो अल्टीमेटली इन इन फ्यूचर परेशान होता है। तो इसीलिए ही मैं ये वीडियो बनाया है और आपको इन प्रॉब्लम से अवगत कराया है कि आप जब भी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट ले रहे हैं और ख़ासकर फॉर एंड यूज़ पर्पस ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं। तो चलिए दोस्तों, जो भी मैसेज था जो संदेश था इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने समझा दिया है। तो आप दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।